गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 8.2 चैप्टर था जो आपका वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर क्या था कि अपने जो भी वेट लगते हैं, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत जो भी था, या वेट लगना, ठीक है, या डिस्काउंट देना किसी पे, उस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज और जो मिश्र धन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर बटा 100। ये एक ही सूत्र है, ठीक है। फिर है मिश्र धन का, तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, ये होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, और इसे लिखेंगे ए पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे अपन सी आई कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है ए माइनस बी, मतलब मिश्र धन माइनस मूल, मतलब मिश्रधन में से आप यदि मूलधन को घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। आपको कह रहा है निम्नलिखित की कुल राशि, ठीक है, और क्या क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मूलधन पहचानना बता रहा हूं। देखिए जो राशि दी गई होती है ना अमाउंट रुपए में, वो आपका क्या होता है, मूलधन, मतलब जो किसी के द्वारा प्राप्त। समय आपको पता है हमेशा महीने और वर्ष में होता है, तो कितने वर्ष दे रखा है, 3 कितने वर्ष दे रखा है, 3। आपको दर कितनी दे रखी है, 12.5%, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 12.5। किधर से वार्षिक संयोजित किया जाता है, तो कुल राशि, और तो देखिए मिश्र धन का सूत्र लगा लेते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर। तो मूलधन कितना है, 10,800, 1 प्लस दर है कितनी है, 12.5 बटा 100 की पावर। समय कितना है, तो देखिए 10,800 जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 112.5 बटा 100 की घात, तो ये हो जाएगा 10,800, मतलब 10,800 गुणा 112.5 बटा 100 गुणा 112.5 बटा 100 गुणा 112.5 बटा 100 हो गया बच्चों। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दो जीरो से दो जीरो कट, यहां से एक पॉइंट हटा, यहां से हटा, तो यहां पर कितनी जीरो लग गई है, 2। अब 25 से काटिए इसको, 25 चौकू 25 पंजे 125, इसको काटोगे तो 400, ठीक है। फिर इसको काटिए 25 से, तो 25 चौकू 25 पंजे, तो इसको काटे 25 से, 25 एकम 25 15 बच्चे, 25 चिक्की 150। सेम इसी तरीके से जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौकू 100, और ये 45 हो गया बच्चों। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, इसे काटिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 7 हो गया बच्चों। अब इन्हें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसमें आपको भाग दे देना है किसका, 16 का। तो देखते हैं, तो देखिए बच्चों जब आप इसको इससे काटोगे तो कंप्लीट करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 15,377.4। अब आपको क्या निकालना है, देखिए मैं निकाल देता हूँ ध्यान से, आपको निकालना है सी आई, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूल,
देखिए कृषि दर कितना है आपके पास, 15,370.94, और मूलधन कितना आपके पास, 10,500। जब आप इसको काटोगे तो 1,34 तो ये जाएगा 7, 7, 15 में 13 में से 5, ठीक है, ये 4 जाएगा, 4। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 4,570.94। देखा बच्चों, आपको इस तरीके से करना है पहला क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि मूलधन कितना दे रखा है, लिख देते हैं आप। देखो मूलधन दे रखा है आपको 18,000, कितना दे रखा है, 18,000। समय कितना है, 2.5 वर्ष, कितना है, 2.5 वर्ष, और दर कितनी है, 10%, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहे हैं आपको, आपने मिश्रित धन का सूत्र तो लगा ही रखा है, ठीक है, अब इसके अंदर आपको वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो देखो 18,000 मूलधन, 18,000 वन प्लस दर है 10/100 और समय है 2.5। तो देखिए 10/800 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100 और 2.5। तो देखिए 10/800, तो ध्यान से देखिए 2 वर्ष के लिए तो ये पूरा की पूरा ऐसे की ऐसे लिखती, लेकिन ये आधा वर्ष है इसमें क्या होता है कि दर क्या हो जाएगी आपकी आधी, तो ये हो जाएगी 105/100। क्या हो जाएगी, 105/100, ध्यान रखिएगा। काटते 1, 2, 3, एक ये 10,800 नहीं है बच्चों, ये 18,000 दे रखा है, आपने गलत नोट डाउन कर रखा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया आपने, ये देखिए अब 2 जीरो, 1 और 1 लीजिए, आपने 2 भी काट दिया, अब इसको 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, ये 21, 2 से जब इसको काटेंगे तो 9 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 11 को 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा, और इसको 9 से गुणा करने पे 9, 18, 1, 11 आ गया। अब इसको कितने से गुणा करना है, 21 से, कितने से गुणा करना है, 21 से, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे जाएगी, 2, 9, 18, 1, 16 और 1, 17, 1, तो यह आ जाएगा 9, 16, 8, 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 22,000, कितना आ जाएगा, 22,869 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अब आपको इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगा लेते हैं, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, CI बराबर A माइनस, तो A का मान कितना है, 22,000 माइनस, और मूलधन कितना है, 18,000। जब आप इसको इससे घटाओगे तो 869 और 12 में से देखिए तो कितना है, 4,869 रुपये, कितना है, 4,869 रुपये, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से, ठीक है, आप जब तक पढ़ लीजिए फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 62,500 रुपए, ये तो मूलधन हो गया, पर 1.5 वर्ष, तो समय कितना हो गया, 1.5 वर्ष हो गया, पर 8% वार्षिक, दर कितने हुए, 8%। अब ये देखिए अर्धवार्षिक रूप में है, अर्धवार्षिक,
अब द्विवार्षिक में क्या होता है कि दर तो हो जाती है आधी, तो ये 4% क्या हो गई अर्धवार्षिक, जबकि ये वार्षिक दी गई थी। और समय हो जाता है ट्वाइस मतलब दोगुना, तो ये जगह 3/3 वार्षिक, 3/3। आपको वही संयोजित करना है तो आप निषेधन का सूत्र लगा दीजिए, तो P1+R/100 की पावर P लगाया आपने, मिश्रधन बराबर मूलधन, ठीक है, प्लस 1+R/100 की पावर T। देखते हैं मूलधन कितना है, 65। ब्रैकेट बंद, प्लस ये क्या है 4/100 की पावर, तो 65/500 ये हो जाएगी 104/100 की घात, तो भी 65/500 गुना 104/100 गुना 104/100 गुना 104/100, तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब 25 का भाग इसमें देंगे 4 बार, 25 25 25 6, फिर 25 का भाग इसमें देंगे 4, ठीक है। अब इसको 2 से भाग, 2 4 2 8, 2 बचे 4 6 4, फिर इसको काटेंगे जाएगा हो गया। अब 26 x 26 करते हैं तो कितना आ जाएगा 676, कितना आ जाएगा 676, क्योंकि 26 25 का स्क्वायर 625 और जो इसका 576, तो 26 का कितना आ जाएगा 676। अब इसको कितने से गुणा करना है आपको 104, 4 से गुणा करते 4 6 24 का 4, 2 4 25 2 20 3 4 6 24 और 3 27, ये हो जाएगा 0 0 0 गुणा गुणा, तो 6 7 6 4 0 13 9 9 10 0 हासिल हो गया। तो आपके पास कितना आया 70,304 रुपये। तो ये तो क्या आया आपके पास मिश्र धन, आ गया क्या आ गया बच्चों मिश्र, लेकिन अपने को मिश्र धन के साथ और क्या क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी, 70,304 माइनस 62। जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो ये 13 में से 5 गया तो 8, 9 में से 7, तो कितना आया 7,804 रुपये, कितना है बच्चों 7,804, ठीक है। तो देखिए बच्चों सभी क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या, ठीक है। देखिए कितनी दे रखी आपको 9% वार्षिक, तो इसका मतलब ये क्या जाएगी 4.5 अर्ध हो गया बच्चों। करते हैं मिश्रधन निकाल, तो मूलधन कितना है 8,001 प्लस दर का मान कितना है 4.5 अर्ध, और समय कितना है 2 वर्ष। तो देखिए 8,004.5/100 × 104.5/100, तो देखिए 2 0 से 2 0 1 0 से, अब इसको काटते 5 5 2, अब इसको काटो 5 0.5 कितना आया 20, और
जब आप इसको इससे काटोगे तो कितना आया, ठीक है, तो 104.5 की जगह 104.5 और ये हो गया 20.9। जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 36 6 3 84.6 तो यहाँ पे लिख देते 83.6। देखिए आपने, अब इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टी, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा देखते हैं। 6 5 30 की जीरो हमसे लगी थी, 6 6 24 और 3 27, ठीक है, 3 5 15 वहाँ से लगे, 3 6 12 और 13 3 वहाँ से लगी, 3 1 3, 8 5 40 की जीरो वहाँ से लगी, 4 8 6 32 और 4 36 की 6 वहाँ से 3, 8 1 0 12 5 6 12 13 3 वहाँ से 6 और 1 7 हो, तो किया जाएगा कितना आया 8736.20 8736.20 आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास विच्छेदन तो आ गया, अब आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि, क्या निकालना है चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, a माइनस 8336.20 से माइनस कर दो 8000, आपके पास कितना आया 376.20, कितना आया 376.20, ठीक है बच्चों। तो नोट डाउन कर दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा आपने सभी क्वेश्चंस क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि अर्धवार्षिक है तो समय कितना हो जाता है दुगना और दर कितनी हो जाती है आधी, इस बात का बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, मूलधन आपको कितना दे रखा है 10,000, आपको वर्ष कितना दे रखा है 1 वर्ष, तो ये लिखेंगे 2 अर्धवार्षिक, ठीक है, और आपको दर कितनी दे रखी है 8%, तो ये हो जाएगा 4% अर्धवार्षिक, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए सूत्र लगा दिया आपने क्वेश्चन धन का, तो ये होगा 8000, सॉरी मूलधन कितना है 10,000, आर का मान कितना है 4/100 और समय कितना है, तो 10,000 ये हो गया 104/100 की पावर 2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10,000 × 104/100 × 104/100, तो 2 0 से 2 0, इस 2 0 से जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 108, ठीक है। आपको निकालना है सी आई, तो ये हो गया ए माइनस बी, तो 10 816 माइनस 10,000, तो ये कितना है 816, कितना है 816। तो देखो बच्चों इस प्रश्न के अंदर कुछ नहीं करना था आपको, जहां पर अर्धवार्षिक का टाइम आपको समय को दुगना करना, और जहां पर अर्धवार्षिक का टाइम आपको दर को क्या करनी है, इस तरीके से पूरे के पूरे सवाल किए आपने, ठीक है। तो आप बच्चों उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तो फिर आज आपने क्या उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल आपने मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।